जियो यूपीआई का उपयोग करके पैसे कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं किसी के यूपीआई आईडी में या फिर किसी के बैंक अकाउंट में। वीडियो मेरा खास फोकस होगा अकाउंट नंबर में पैसे भेजने को लेकर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मेरा नाम है नीलेश, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके हमारे चैनल नीलेश गुरु में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करना क्या है, आपको सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन के अंदर जो यूपीआई का ऑप्शन मिलता है आपको इसमें अपने बैंक को ऐड कर लेना होगा। जब ही आप किसी को पैसे भेज पाएंगे, अगर आपको बैंक ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के अपने बैंक को ऐड कर पाएंगे। फिर दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ जियो यूपीआई का उपयोग करके किसी को पैसे भेज पाएंगे। पैसे भेजने के लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई में क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेंड मनी का, तो आपको सेंड मनी में क्लिक करना है। जब आप सेंड मनी में क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, देखिए इंटर यूपीआई आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसी के यूपीआई आईडी में भी आप पैसा डाल सकते हैं अगर आपको उसकी यूपीआई आईडी पता है। अगर नहीं पता है दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ सेंड मनी टू बैंक अकाउंट में क्लिक कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए शॉप में गए, यानी कि शॉपिंग करने गए, आपको क्यूआर कोड मिल गया, यानी कि आपको एक क्यूआर कोड मिलता होगा, उसको स्कैन करके भी आप यहां से पैसे डाल सकते हैं। तो देखिए किसी को खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर सेंड मनी टू बैंक अकाउंट में क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होगा जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। फिर उस अकाउंट नंबर को आपको दोबारा से यहाँ पर डालना होगा, यानी कि कन्फर्म अकाउंट में क्लिक करके। फिर दोस्तों आपको IFSC कोड डालने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है, देखिए हर ब्रांच का अलग अलग IFSC कोड होता है, आपको सर्च करने के लिए यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। फिर आपको यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम जिसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो उसका अकाउंट जो है तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर आ गया है, यूनियन बैंक में अकाउंट है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट करना होगा। देखिए अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ज़िले का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर रीवा डालूंगा, मेरे ज़िला का नाम है। फिर यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच आ जाएंगी, यानी कि आपके ज़िले में जितने ब्रांचेस होंगी उन सभी की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ब्रांच का भी नाम आ जाएगा, मैं जिनके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ उनका अकाउंट है मनगांव ब्रांच में, यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर IFSC कोड आ जाता है। फिर आपको लिंक प्रोसीड में क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम में क्लिक करके उनका नाम डालना है जिनके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम नाम डाल देते हैं जिनके नाम से अकाउंट है, इसके बाद आपको प्रोसीड में यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके अमाउंट के लिए बोला जाएगा, आप जितने रुपये ट्रांसफर करना चाहते उतने रुपये डाल सकते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आप इसमें अधिकतम एक बार में 1 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए, यानी कि आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पर 1 रुपया ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, यहाँ पर 1 रुपया लिख देंगे फिर आपको प्रोसीड में क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टू का और यहाँ पर फॉर्म का, यानी कि टू का ऑप्शन वो होगा जिनके अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हैं और यहाँ पर जो फॉर्म है आपके अकाउंट की डिटेल है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक करना होगा। जब आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए हम उस पिन को यहाँ पर एंटर कर देंगे फिर सही के निशान में क्लिक करेंगे। हम सही के निशान में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रोसेसिंग पेमेंट होगा, फिर सही के निशान आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए हमारे अकाउंट से 1 रुपये कट चुके हैं, हमारे मैसेज भी आ चुका है। दोस्तों इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी के भी अकाउंट में जियो यूपीआई का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा मेरी जानकारी आपको कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करेंगे समाप्त, मिलेंगे फिर आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।